गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर घूमने के लिए। तो दी भाई और मैं जाएंगे फिलहाल अभी। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से बाइक में जाएंगे, बाइक के बाद मेट्रो, मेट्रो के बाद हम देखते हैं। अबे ये क्या है, चप्पल? भाई गोली मार रहा है भाई, मुझे मत देखो, उसे देखो यार, मार देगा तुम्हें। तो गाइज हम लोग फाइनली उतर चुके हैं मेट्रो से बाहर, और फिलहाल अभी मेरे पीछे देखिए भीड़ इतनी आ रही है, सारी मेट्रो की भीड़ है। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality. तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सरोजनी नगर के गेट नंबर कौन सा है भैया? गेट नंबर गेट नंबर कचरे में आ चुके हैं हम, और फिर हम जा रहे हैं अंदर के लिए गेट सरोजनी मेट्रो स्टेशन कचरा। तो फिलहाल गंदे आदमी पहले सबसे पहले आइसक्रीम खाने का मन किया इनका। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और अब करेंगे हम यहाँ से शॉपिंग। आप लोग भीड़ कितनी हो रही है यहाँ पे, और हम लोग कुंभ के मेले में लग रहे हैं, कुंभ के मेले में आए हैं। शॉपिंग करो आप, यहाँ पे आइए। हाँ हाँ, एक ब्लैक चाहिए, एक ब्लैक। गाइस कपड़े तो बहुत सस्ते हैं, बट हम लोग को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेंगे अच्छे कपड़े। तो भाई के यहाँ से ले लिया हमने दो पैंट।
पे और फाइनली हम लोग सरोजनी नगर से जो शॉपिंग की थी तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं आज शॉपिंग करके फाइनली आया हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगी हमने क्या क्या शॉपिंग की है, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ वीडियो में। और मैंने सोचा कि एक होल वीडियो बनाऊँ अपना जो भी मार्केटिंग करने कर रखी है, बट तो बनाएंगे हम अभी दोस्तों। फिर मैं अपना होल कलेक्शन जो लेके आया था उसे शुरू करता हूँ। तो मैं अपना बॉटम वेयर जो है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारे जो यार इसकी लेंथ और फिटिंग थी ना, जो कपड़ा है मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसका। और ये देखिए दूसरा जीन्स लेके ज्यादा लेके नहीं आया था मैं मेंस के लिए, केवल मात्र 3 कलेक्शन लेके आया था जिनमें से 2 मैंने आपको दिखा दिया, तीसरा ये वाला पीस तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा यार। इसकी जो फिटिंग है जो लेंथ है ना बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैंने आपको अभी बताए थे जो 3 जीन्स बताए थे, तो आप मुझे इनका बताना कि प्राइस क्या होगा और कैसे कैसे है ये, तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिए आप और मुझे दिखाइए कि कैसे क्या है। और दोस्तों मैं अपने बॉटम कलेक्शन तो केवल ज्यादा नहीं 3 लेके आया था, बाकी जो मैं डेली यूज के लिए हुडी और डेली यूज में जो पहनने के लिए लेके आया हूँ तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेके आया हूँ, एक एक पहन के बताता हूँ आपको, आप मुझे जरूर बताना कि कैसा क्या लग रहा है। दोस्तों देखें आप, ये मेरा फर्स्ट आउटफिट है जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा और आप लोग बताएं मुझे कैसा लग रहा है ये, आगे पीछे देख लीजिए पूरा। अच्छा ठीक है, फिटिंग वुटिंग भी एकदम बराबर है, कहीं पे मतलब ऐसा नहीं है कि लूज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो मतलब मुझे बिलीव नहीं था कि सरोजनी नगर में, जैसा आप लोगों ने भी सुना होगा मैंने भी सुना था कि वहां पे लड़कियों के तमाम लाल कपड़े मिलते हैं, बट क्या है कि वहां पे जेंट्स के भी मिलते हैं। फर्स्ट टाइम गया था, मतलब पहले भी गया था पर इस बार मुझे अच्छा लगा वहां पे कलेक्शन। तो मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा अपना, तो ये मेरा जो दूसरा रहेगा, तो दोस्तों ये मेरा दूसरा आउटफिट है, इसकी भी एकदम लेंथ फिटिंग सब कुछ बराबर है, आप लोग देख सकते हैं से भी एकदम बराबर है, ऐसा कुछ नहीं कहीं पे लूज हो रही है कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है। तो सीरियसली मजा आ गया पहन के, और मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा जो मेरे पास है यहाँ पे। तो दोस्तों ये मैं तीसरा आउटफिट है और जो इससे पहले पहने थे मैंने, ठीक है मतलब ये इतना खास नहीं लगा, जो पहले वाले थे वो इससे बेस्ट है और इसकी फिटिंग भी अच्छी है, पर थोड़ा सा मुझे ये लगा ना इसके जो बाजू है मैंने ये फोल्ड कर रखे हैं, तो ठीक है फिलहाल। अब बाकी आप लोग जरूर रहे वीडियो में बने रहना, और जो इनके प्राइजेस है ना आप भी बहुत शौक होने वाले इनके प्राइजेस जो हैं फिलहाल अभी मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट आप बने रहना वीडियो में मेरे साथ। तो मैं दिखाता हूँ आपको जो मेरा चौथा कनेक्ट आउटफिट रहेगा वो रहेगा ये, जिसे मैं पहन के दिखाऊंगा अभी आपको। तो दोस्तों मेरा चौथा आउटफिट ये रहा जो मुझे जितने भी मैंने अभी आपको दिखाए थे उससे बेस्ट ये लगा। इसमें 2-3 खासियत है क्योंकि अगर मैं नॉर्मली से पहनूंगा ना इतने मतलब इसमें इतना गर्म लग रहा है मुझे कि भाई और कपड़े पहनने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है सबसे पहली बार। और दूसरा ये कि इसका जो कलर है इसमें ग्रे कलर भी है वाइट कलर भी है और मैं इसे पार्टी में इधर उधर जाने के लिए भी पहन सकता हूँ यूज कर सकता हूँ। और दूसरा इसके ऊपर मैं शर्ट वगैरह भी डाल सकता हूँ। तो मतलब ये है कि औरों से मुझे ज्यादा बेस्ट लगा क्योंकि आजकल आपको पता ही है दिल्ली की ठंड कितनी अच्छी है, तो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए। और बाकी मैं आपको मैं एक दो लेके आया था भाई के लिए लेके आया था, बट मैं सोचा इसके ऊपर पहनूं पर वो इसमें जच नहीं रहा, स्पेशली भाई के लिए आया था भाई फिलहाल अभी। तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने भाई के लिए एक शर्ट लेके आया हूँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा शर्ट लगा मुझे ये। आज मेरे भाई का बर्थडे भी है तो बर्थडे के टाइम में मैंने कहा कुछ गिफ्ट हो जाए भाई के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मेरे तो थोड़ा सा लूज हो गया तब जाके मैं पहन नहीं पा रहा इसे, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा कलर है आप देख सकते हैं इसे। और बाकी जो इसका प्राइस रहेगा आपको जरूर मैं दिखाऊंगा, आप बहुत शौक होने वाले इस प्राइस में। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैं एक हुडी भी लेके आया था, जो हुडी लेके आया हूँ स्पेशली मतलब अच्छा है, एकदम रेड कलर का है, साथ में हाथों में ये बना हुआ आजकल का फैशन जो चल रहा है, और आप लोग देख सकते हैं किस ब्रांड का ये हमारा हुडी है। बट आप लोग को यही बताऊंगा कि सरोजनी नगर में जो मिलेगा आपको कैसा क्या मिलेगा, तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा बेस्ट है फिलहाल, इतना बुरा भी नहीं है, आप लोग पहन के देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाकी मैं आपको जो इनकी कॉस्ट है जो प्राइस है आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल शौक होने वाले हो इस सब में। तो देखो दोस्तों हो चुका है हमारा हॉल पूरा खत्म, और यार आप लोग बिलीव नहीं करोगे इस चीज को, ये जितने भी चीजें मैंने आपको दिखाई जींस से लेके आउटफिट को लेके और बस थोड़ा हुडी और जो मेरी शर्ट है वो थोड़ा अलग छोड़ दो उनको, बाकी मैं आपको जो दिखाता हूँ जो हमने आउटफिट और जो 2-3 जींस पहनी हुई थी वो मात्र हमारे 200 रुपए में पूरे थे।
और टोटली जो प्राइस हुआ उनका 1500 में मैंने पूरा अपना शॉपिंग करके आया था। और जो मेरा ये हुडी और ये शर्ट थी, हुडी मुझे 500 के आसपास पड़ी और ये शर्ट मुझे 400 में पड़ी। तो आज के दिन में मैं इतना खुश हूँ, आज संडे था, मैंने कहा आज संडे को बनाएंगे फंडे। पर वाकई में जब मैं एज एन मार्केट गया ना, तो वहां मुझे वाकई में लगा कि हाँ यार, यहाँ पे भी मैं पहले ये सोचता था कि यार लड़कियां ही आती हैं, मेरी जो सिस्टर आती थी यहाँ पे शॉपिंग करके, और भैया वहां पे मुझे आज ये 200 रुपए में ये है। मैंने कहा यार हम लोग का क्यों नहीं होता होगा ये। बट जब मैं आज गया ना, वाकई में कसम से बोबी भाई और सोनी जी का मैं इसमें बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि वो लोग, उन्होंने मेरे साथ आने के लिए बोला कि हाँ चलते हैं हम घूमने के लिए। खासकर वही भाई ने बोला कि, और जो ये शॉपिंग है ना, साथ में सोनी जी का भी मैं थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत हेल्प की मेरी इसमें। तो मतलब आज मैं सीरियसली, आप लोग भी जाना, लड़के लोगों के लिए भी है वहां पे मार्केट, जिसमें हम मात्र 200 रुपए में आराम से अपने लिए चीजें खरीद सकते हैं। तो मेरा जो जितने प्राइस थे फिलहाल मैंने आपको बता दिया, 1500 में हम पूरा आउटफिट और जो मेरे 3 जींस थे वो पूरे लेके आया था, और हुडी और शर्ट का प्राइस तो आपके सामने मैंने रख दिया। तो आप लोग जरूर जाएं एसएन और मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसे लगे मेरे जो आउटफिट और जींस थे, और जरूर बताना दोस्तों मुझे उसमें कि क्या क्या कैसे रहा। और बाकी आप लोगों को मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, नेक्स्ट और वीडियो में।